हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको करवाया था एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट करवाया था, तो वो सारे कंसेप्ट भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो लेक्चर देखो, जिससे कि आपको एक सीक्वेंस और एक सीरीज में सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज एक्सरसाइज 5.4 को कम्प्लीट करेंगे। तो चैप्टर 5 है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, राइट, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ओके, एक्सरसाइज 5.5। तो चलिए इन क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। अच्छा, ये आपको चार ऐसे मॉडल्स दिए हुए हैं, चार ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इस मॉडल में परपेंडिकुलर लाइन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ए में देखो कह रहा है द एडजेसेंट एज ऑफ टेबल टॉप, है ना, टेबल का टॉप बनाना है। क्या करना है आपको, टेबल का टॉप। तो चलो हम पहले एक टेबल बना लेते। ये टेबल का क्या बन गया बच्चों, टॉप बन गया। ठीक है, ये टेबल का टॉप बन गया। अब आप यहां पे समझिए द एडजेसेंट, एडजेसेंट एज क्या होता है, जहां पे दो लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है या सटा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट। तो ये आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि ये भी तो एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, तो इस दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर है। यस, अब आप यहां पर भी हो सकता है, ऑब्वियसली ये होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा। तो हमने क्या देखा, हमसे तो यही पूछ रहा था कि क्या ये जो मॉडल्स है, टेबल का टॉप है, क्या वहां पे परपेंडिकुलर लाइन है। अगर है तो आप यस, तो अभी आप क्या देख पा रहे, यस है, यहां पे भी है ना 90 डिग्री, ऑब्वियसली है, यहां पे भी है 90 डिग्री, 90 डिग्री है और यहां पे भी 90 डिग्री है, है ना। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, यस, यानी ये जो मॉडल्स है ये इसमें परपेंडिकुलर लाइन है, adjacent to line जो है वो perpendicular है, understand? That's good. Now next is that, देखो अगला क्या कह रहा है, the lines of railway track। तो बच्चों railway tracks में तो आप देखे ही होंगे कुछ इस तरीके से हमारा ट्रैकिंग होता है और इस तरीके का होता है। अब इस दोनों के बीच में जो होता है ना, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यहाँ पे लाइन नहीं होता है बच्चों, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होता है ना वो इक्वल्स होता है, बट ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर नहीं है, ये जो दूसरे का जो बच्चों है वो क्या है, पैरेलल लाइंस है, क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये पैरेलल है, यानी एक दूसरे का पैरेलल है, मतलब ये जो है परपेंडिकुलर लाइन का मॉडल नहीं है। तो आप ये आंसर क्या लिख देंगे इसके साथ में, नो लिखेंगे, क्या होगा इसका आंसर, नो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सी पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ लेटर्स एल, यस एल तो है ही बच्चों, आप ये एक लाइन सेगमेंट ले लो और ये एक लाइन सेगमेंट ले लो। तो अब इसमें आप लाइन सेगमेंट्स में क्या देख पा रहे हो, यहां पे तो 90 डिग्री है ही ना, तो यस इट इज अ मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर्स, एल जो है वो परपेंडिकुलर्स मॉडल्स है, लाइन का परपेंडिकुलर मॉडल्स। अच्छा नेक्स्ट देखो लेटर ऑफ वी, अगर लेटर वी की बात कर ले तो यहां पे देखो ये लाइन जो है बच्चों, इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहां तो ये एक्यूट एंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये एक्यूट एंगल है ना, ये क्या है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ये तो ना, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन का मॉडल्स नहीं हुआ। तो अब आपको यहां पर जो दिख रहा है बच्चों, आप यहां पर हैंस क्या लिख सकते हो, हैंस क्या लिख सकते हैं, इसमें कौन कौन परपेंडिकुलर का मॉडल्स है, ए है एंड बच्चों सी है, राइट, ए और सी जो है वो परपेंडिकुलर लाइन का मॉडल्स है और बी और जो डी है वो परपेंडिकुलर लाइन का मॉडल्स नहीं है। तो आई होप आपको क्रिस्टल एकदम समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, एकदम कॉन्सेप्ट भी सब समझ में आ गया। तो इसी के फील के साथ करो, कंसेप्ट एकदम क्लियर करो, फिर आपको बहुत ईजी लगेगा आपको मैथ्स। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या कह रहा है, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर लाइन। देखो यहां पे कुछ इस तरीके से लाइन है, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर
टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, लाइन सेगमेंट एक्स स्क्वायर एक्स वाई, लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ए. अच्छा, ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है. एंड व्हाट इज द मेजर्स ऑफ एंगल पी ए वाई, तो पी ए वाई क्या होगा ये आपको बताना है. तो सबसे पहले हम एक एक्स वाई ले लेते हैं. ये हमने एक्स वाई एक लाइन ले लिया, ठीक है. अब यहां पे हमने पी एक्स वाई ले लिया और पी क्यू, यानी हमें पी क्यू भी दे रखा था, एक्स वाई भी दे रखा था. इसको हम P ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं, इसको X लेट कर लेते हैं, इसको Y लेट कर लेते हैं, और यहां पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम A लेट कर लेते हैं, ठीक है. ये यानी क्या है कि आप PQ एक परपेंडिकुलर लाइन ले लो, अच्छा XY जो लाइन सेगमेंट्स ले लो, अच्छा PQ परपेंडिकुलर आप इधर से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है ना. आप ऐसे ले सकते हो परपेंडिकुलर से, तो A पे कर रहे थे. व्हाट इज द एंगल्स ऑफ PA, देखो PA और y कितने होगा, ये बच्चों क्या होगा 90 डिग्री का होगा, इवन ये भी 90 डिग्री का होगा, ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि सभी क्या होगा दोनों लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है ना. जैसे आप ऐसे देख लीजिए, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी और ये भी, तो जनरली जो होता है ये 360 डिग्री का होता है ना. ये कितना होता है 360 डिग्री का. तो बट हमें क्या पूछ रहा है, पी ए वाई पूछ रहा है. तो आप यहां पे लिख सकते हैं एंगल पी ए वाई कितना डिग्री का हो रहा है, 90 डिग्री का, है ना. क्या हो रहा है, पी ए और वाई कितना डिग्री है यहां पे, 90 डिग्री. तो दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, अंडरस्टैंड. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. अच्छा अब यहां पे देखो क्या है बच्चों, देयर आर टू सेट स्क्वायर्स. अब यहां इस फिगर को एनालाइज कर पा रहे होंगे, ये क्या है, सेट स्क्वायर है जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ऑलरेडी होते हैं. आप चाहे तो अपने ज्योमेट्री बॉक्स निकाल लीजिए और वहां में आप देखेंगे तो ये दो सेट स्क्वायर आपको बुक्स ज्योमेट्री बॉक्स में दिखेगा, ठीक है, इन योर योर बॉक्स, ठीक है. व्हाट आर द मेजर्स, क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल्स दैट आर फॉर्म द कॉर्नर. अच्छा अब जो देखो इसका जो कॉर्नर है, ये जो आप कॉर्नर देख पा रहे होंगे यहां से बच्चों कॉर्नर देखिए, ये जो कॉर्नर देख पा रहे हैं ना, इसके हमें एंगल पूछा जा रहा है, इसका एंगल पूछा जा रहा है और ये एंगल पूछा जा रहा है. सिमिलरली ये एंगल कितने डिग्री का है ये पूछा जा रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल कितने डिग्री का है, तो ये हमें पूछा जा रहा है. व्हाट इज द व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल फॉर्म बाय कॉर्नर, डू दे हैव एनी कॉमन्स, और क्या इसमें कोई कॉमन है. तो पहले आप क्या करेंगे, ये तो आपके पास सेट स्क्वायर है ही, अब उसमें से आप डी निकाल लीजिए, ठीक है. डी निकालने के बाद आपको क्या करना है, बारी बारी से एंगल को मेजर करना है वन बाय वन. पहले आप इसे, मतलब अगर मैं सेट इसको फर्स्ट बोल दू और इसको सेकेंड बोल देता हूं, ठीक है. तो अगर हम सेट फर्स्ट ले लेते हैं, सेट स्क्वायर अगर मैं फर्स्ट की बात कर लूं, तो मैं एक एनालाइज करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है. ऑब्वियसली होगा ऐसे ही बच्चों, आप ले लेना इसको मेजरमेंट करना. तो देखो ये क्या हो रहा है, एल शेप दिख रहा है आपको क्या, ये कैसा दिख रहा है, एल शेप दिख रहा है ना. तो जो एल होता है ना दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री. अभी मैंने आपको फर्स्ट मॉडल्स में दिखाया था. तो आप यहाँ पे क्या बन सकते, एक ने क्या होगा, एक एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है. अब आप यहाँ पे देखेंगे और यहां से आप इसको मेजरमेंट करेंगे ना, ये जो होगा आपका 45 डिग्री होगा. और अगर आप इसको मेजर करेंगे ना तो ये भी आपको बच्चों 45 डिग्री ही होगा. तो ये तो हमने पहले की मेजरमेंट कर ली. आप अपनी क्या करो, आप ज्योमेट्री बॉक्स निकाल लो, ज्योमेट्री बॉक्स निकालने के बाद ये दोनों सेट स्क्वायर निकालो, और सेट स्क्वायर निकालने के बाद आप डी निकालो, और डी से मेजर करके आप चेक करना कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है. आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना यस सर ये आ रहा है वैल्यू, राइट. और नहीं आ रहा है तो पर भी आप लिखना, ठीक है. फिर मैं आपको विद अ प्रूफ दिखा दूंगा कि ऐसे मेजरमेंट किया जाता है, ठीक. चलो अब आप देख लेते हैं सेट स्क्वायर डी का. सेट स्क्वायर सेकेंड है ना, बी ने सेकेंड ले लेते. अब आप इसकी मेजरमेंट करेंगे ना
तो देखो ये जो एंगल है ना बच्चों, ये एंगल आपको 90 डिग्री का दिखेगा, ठीक है। तो एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा 60 डिग्री का हो जाएगा, और तीसरा 30 डिग्री का होगा, ठीक है। क्योंकि आप कुछ इस तरीके से, जैसे अगर इसको पूरा खोल देते हैं ना, ये जो होता है बच्चों 90 डिग्री का बन जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें होती है, तो ये 90 डिग्री का बने, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में फिर से एक बार पढ़ता हूं, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स दैट हैज फॉर्मड द कॉर्नर। तो हमने तीनों कॉर्नर को एक हमने एस्टिमेट करके लिखा है, एग्जैक्टली तो मेजर किया नहीं, बट आप एग्जैक्टली मेजर करके मुझे बताना कि क्या यही वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद कह रहा है डू हैव एनी एंगल्स मेजर दैट इज द कॉमन। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यस ये है बच्चों, एक चीज तो है, एक एंगल तो मेजरमेंट है ना, तो आप यहां लिख सकते हैं कॉमन जो एंगल्स है वो कितना है, 90 डिग्री। इसमें जो कॉमन एंगल्स है वो क्या आ गया, 90 डिग्री है। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है। अच्छा अब देखो कह रहे हैं स्टडी द डायग्राम्स, यानी इस डायग्राम को हमें स्टडी करना है और इनके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चनों का हमें आंसर देना है, ठीक है। द लाइन इज अ परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ, अच्छा यहां पर देखो एक लाइन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पे एक जो एम है वो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, जो आपको देख पा रहा होगा, ठीक है। सो अब इसके अकॉर्डिंग अब आप यहां पे देखिए, इसको डिविजन्स कर दिया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये समझने के लिए कर दिया है, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो ए बी है ना, ये सारे जितने भी है ना, मतलब इस लाइन को जो डिवाइड किया है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ना वो इक्वल है, यहां से यहां का डिस्टेंस इक्वल है, यहां से यहां, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहां से जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है, यहां से जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है ना, मतलब जितने पार्ट आप जाएंगे ना उतने पार्ट के डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गए, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसी के बेस पे क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करना है वो दिखाते हैं। पहला क्या कह रहे हैं यहां पे देखिए, इज सीई इक्वल इजी, क्या सीई इक्वल इजी है, तो समझ, चलो यहां से हम देखते हैं, यहां से क्या हो रहा है, एक पार्ट कवर हो रहा है, हमें क्या कर रहा है सीजी, ठीक है, यहां पे हो जाएगा ये और ये दो पार्ट ये हो गया, यानी अगर मैं इसको एक सेंटीमीटर मान के चलूं, यानी इस दोनों के बीच का जो एक सेंटीमीटर है, तो यहां पे देखो CE कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक। अब कह रहे इजी, तो यहां पे EF और इजी, तो ये भी तो क्या हो जाएगा, इजी भी क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी, तो देखो यहां से यहां क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, और यहां से यहां क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या देखा कि CE इक्वल क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यस ये जो दिया है आप क्या लिख सकते हैं, यस। वाई कैसे, यस तो मैंने चेक किया ना, इस डायग्राम को स्टडी किया ना, और इस डायग्राम को जब स्टडी किया तो हमने पाया कि ये डिस्टेंस इसके बराबर, ठीक है। अब आप देखिए बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, डज पीई बाइसेक्टर ऑफ सीसी, जो पीई है यहां पे, पी और ई जो है, ये पीई है वो क्या कह रहा है, सीजी का बाइसेक्टर है, सी और जी का बाइसेक्टर है, ये आपको चेक करना। यहां पे समझिए मैं आपको थोड़ा सा बनाता हूं, ये हमारा क्या हो जाएगा पी और ये हो जाएगा सी, यानी हम इसको सी ले लेते हैं और इसको जी ले लेते हैं। तो बाइसेक्टर कब होता है, जब एक दूसरे को बराबर पार्ट में बांट देता है, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्टर। तो देखो दो इधर भी है, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इधर है, मतलब बराबर पार्टों में क्या किया, बांट दिया गया है। आप यहां समझिए ना, ये जितने डिस्टेंस इधर है उतने डिस्टेंस ओरिजिन से, जितने डिस्टेंस इधर है उतना ही ओरिजिन से डिस्टेंस इतना है। तो हम ये कह सकते हैं जो CE है, PE इज बाइसेक्टर ऑफ CC, PE जो है CE को बाइसेक्ट कर दिया, तब यहां पे क्या लिखेंगे, यस ये भी सही होगा,
ओके होगा, ट्रू होगा, पैसे समझ लीजिए। अच्छा ठीक है, अब आप सी में देखिए क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई एनी टू लाइंस, आइडेंटिफाई एनी टू लाइंस, हमें आइडेंटिफाई करना है ठीक है, एनी लाइन सेगमेंट्स, एनी टू लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पीई इज परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर्स। कह रहे हैं पीई जो है वो पीई परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर्स का, ठीक है ओके। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, अब इसको देखो, अब यहां से अगर ये एक लाइन ले सकते हैं, आप क्या ले सकते हैं, डीई ले सकते हैं ठीक है, डीई हो जाएगा डीई, और ई एफ आप ले सकते हैं, ई एफ लिख सकते हैं, एक त्रिया आ जाएगा, मतलब जितनी डिस्टेंस इतना उतना, तो ये इसको बाइसेक्टर बना सकता है ना। हमको दो ऐसे एग्जांपल्स देने, फिर आप क्या लिख सकते हैं, सीई लिख सकते हैं, सीई लिख सकते हैं और ईजी लिख सकते हैं, है ना। वैसे आप जितना इसे दूर चले जाएंगे ना, ये हमने ले लिया, एक बार हमने ये लिया, एक बार ये लिया, अब आप ये ले सकते हैं और यहां से ये ले सकते हैं ठीक है ऐसे। बट हमें क्या कह रहा है, कोई भी दो ले लो आप, ये आंसर बच्चों आपके बुक में हो सकता है वैरी भी कर जाए, या आपके क्लास टीचर कुछ और भी करवा दे, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इसके आंसर्स बनेंगे, है ना। तो हो सकता है मैंने ऐसे किया, वो कुछ और तरीके से आपको करवा दे होंगे, या इसमें से कोई और वैल्यू ले लिए होंगे, तो वो कंफ्यूज मत होना, है ना। अच्छा अब डी पार्ट में देखो क्या कहते हैं, आर दिस ट्रू, क्या ये तीनों जो है वो ट्रू है, ये आपको बताने। फर्स्ट में देखो एसी ग्रेटर देन एफ जी, एसी देखो एसी की बात कर लें, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 और 4, तो एसी क्या हो गया, ए सी है बच्चों, एसी 1 2, तो 2 सेंटीमीटर इधर जा रहे हैं, एफ जी एफ और जी एफ और जी ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ट्रू होगा। आप यहां पे चेक करो ना, जो एसी है ना वो क्या है, 2 सेंटीमीटर है, और एफ जी जो है ना ये 1 सेंटीमीटर, तो अब आप बताइए ट्रू ग्रेटर देन 1 होगा ना, यस होगा, तो दिस इज द ट्रू, समझ रहे बात को ठीक है। अब देखिए कह रहे सी डी इक्वल जी एच, सी डी इक्वल टू डी एच, सी डी, सी डी क्या है 1 सेंटीमीटर है ठीक है, और जी एच, जी एच भी क्या है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी ट्रू ही होगा, है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है ना दोनों, यानी एक ही एक पार्ट डिवाइजन है, तो ये 1 सेंटीमीटर। अब बीसी ग्रेटर देन ईएच, बीसी देखो बीसी, बीसी क्या है 1 सेंटीमीटर, ईएच, ई और एच, ई और एच ये भी बच्चों ट्रू है, ई और एच 1 2 3 ये 3 है। देखो आपको जो हमें दिया हुआ है बीसी, बीसी जो है वो 1 सेंटीमीटर है, अच्छा बीसी जो है वो 1 सेंटीमीटर है, और ई एच क्या होगा 3 सेंटीमीटर, है ना। तो देखने से लग रहा है कि ये बड़ा ही है, पक्का है, क्योंकि 1 और 3 तो ये भी 3, तो यहाँ पे तीनों जो है बच्चों तीनों क्या है ट्रू है। तो आपने इस डायग्राम को ऑब्जर्व किया अच्छे से, और ऑब्जर्व करने के बाद आप इसके आंसर भी अच्छे से दे पाए, है ना। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसी के साथ क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप का जो एक्सरसाइज 5.5 था ये कंप्लीट होता है। तो मिलेगी नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।